सबसे पहले पहुँचे हम एक जगह जहाँ पर गवर्नमेंट वो स्टॉल वगैरह लगाती है, जिसमें ऐसे कहा जाता है वो पटाखे सस्ती रेट में मिलते हैं, बट वहाँ ऑलरेडी सब कुछ ख़त्म हो चुका था। फिर हम पहुँचे दूसरी जगह जो थी मेरे ही रिलेटिव की शॉप, यानी कि मेरा छोटा भाई है जिसका नाम है हैप्पी। मैं वहाँ पर गई उसकी पटाखों की शॉप में, ऑलमोस्ट 20-25 किलोमीटर समथिंग कुछ दूर था। मैं, मेरी सिस्टर इन लॉ एंड देवर वगैरह फैमिली पूरी उसकी शॉप पर, वहाँ हमने लिए पटाखे। बाय द वे मुझे पटाखों का कोई नॉलेज नहीं है क्योंकि मुझे पटाखे बिल्कुल पसंद नहीं लगते, हमेशा की तरह डरपोक हूँ, इसलिए मैं पटाखे नहीं जलाती हूँ। फिर मैं पटाखे देख रही थी तभी मेरी नज़र पड़ी इन लड्डुओं पर। एक बार देखे यार ये लड्डू तो कोई खा ही ले अगर किसी बच्चे के हाथ में हो तो। फिर उसने मुझे कहा दीदी ये लड्डू नहीं है पटाखा है, यहाँ पर सब लोग ले रहे हैं किसको कौन से पटाखे चाहिए। मतलब मैं ये देख रही थी इतने सारे पटाखे और लोगों को एक एक पटाखों का नाम भी याद है कि ये पटाखा कौन सा बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं। फिर यहाँ कुछ कुछ सिलेक्शन वाले हो चुके थे जो हमें खरीदने थे। फिर मैं ऐसे दिवस कॉल कर रही थी तो उसने मुझे बोला दीदी आप कुछ और मत करो, फुलझड़ी तो लेके जाना। और मैंने सबसे बड़ी वाली फुलझड़ी ली है, ये मेरे देवर के हाथ में दिख रही होगी। तो ऑलमोस्ट हमारी गाड़ी फुल हो चुकी थी, 1 से 1.5 घंटा लगा हमें और हमने पूरे के पूरे 15,000 के पटाखे लिए। हेलो मसाला यात्रा के दोस्तों, कैसे हो आप सब? और हम निकल चुके हैं लाइटिंग देखने के लिए, दिवाली है तो लाइट देखना बनता है। तो हम लोग निकल चुके हैं अपने अपने टू व्हीलर्स पर, क्योंकि इस वक्त फोर व्हीलर निकालना ना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। हाँ मुझे पता है थोड़ी सी ठंड लगी थी, लेकिन कोई बात नहीं, अच्छे बात से शूट करते करते चलेंगे। मैंने पहन लिया है, फाइनली हम निकल चुके हैं दिवाली की। आगे तो बोलो डेकोरेशन या लाइट। ये रही राजा पार्क की रोशनी, ये बड़ा कलेक्शन देखो, कपड़े देखो, बस दिवाली पड़ता है और कोई काम ही नहीं है। लाइटिंग और शॉपिंग साथ साथ, हम साथ साथ है वाला कलेक्शन है। देखो कितना सुंदर डेकोरेशन है ना, ये रहा कस्टमाइजेशन, हर शॉप के बाहर ऐसे लीफ वाला वो लगा रखा है, लाइट्स है ना, हर शॉप के बाहर ऐसी लीव्स वाली लगा रखी है डेकोरेशन। कितने एफर्ट्स करते हैं यार ये, एक दिवाली के लिए इतनी सारे डेकोरेशन बनाते हैं। अब आप मेरे पीछे का डेकोरेशन देखो, हम पहुंच चुके हैं जीटी सेंट्रल और ये रहा बाहर का व्यू। जीटी का हाईवे हो गया खत्म, नहीं फ्लाईओवर हो गया खत्म, का हाईवे पहुंच गया। तो दीपक दीपक सुंदर लगा रखे हैं, ये पिंक पिंक कौन सा घर है ये। यू टर्न हुआ और हम पहुंच चुके हैं जीटी में, ट्रैफिक का व्यू देखो, पूरे करोड़ों की दुनिया आज ही बाहर निकली है, ऐसा लगता है दिवाली पर ही निकलती है सालों से। यहाँ से शुरू होता है जीटी का एंट्रेंस और ये देखिए व्यू, दीपक स्टार लाइटनिंग। मुझे ऐसा लगता है पूरे साल का पैसा ये दिवाली पे खर्च कर लेते हैं और लोगों को भी लूट लेते हैं साथ में। और एक बार क्राउड देखो आप, ये रही छोटे से नन्हे मुन्ने बच्चों की गाड़ी, ये रहा सबसे क्यूट सा बच्चा गोलू मोलू सा, मैं बैठूंगी रेड वाली गाड़ी में। चलो मैं आप लोगों को एक अच्छी सी चीज़ दिखाती हूँ जो मुझे सुंदर लगी जीटी में डेकोरेशन के साथ। ये यहाँ का एंट्रेंस, ये कपड़ों की शॉप देखना एक बार और अभी इनसे जाकर कोई रेट पूछो, मतलब ऐसे रेट बोलेंगे जैसे फ्री में देने वाले हैं हम लोगों को। ये रहा जीटी बाजार, जहाँ ये मैकडी बहुत फेमस था पर अब तो यहाँ का कुछ अच्छा नहीं है, कुछ भी नहीं। और ये रहे झूले, बचपन की यादें ताज़ा हो गई, जहाँ घर वाले हमें झूला खिलाने लेके जाते थे, पता नहीं इन झूलों को बोलते क्या है, पर प्लेन में उड़ने का शौक है तो इसमें बैठ सकते हैं। और ये रहे झूले, हाका नूडल्स आएंगे, हाका नूडल्स यहाँ से वहाँ से एक जगह से ही आता है। अभी इन लोगों से पूछोगे ना तुम तो ऐसी रेट बोलेंगे कि बस खरीदने के। वो ये देख जो कर उनकी शक्लें देखो कितनी बेहतर, टैटू नशा। अब हम आ चुके हैं दूसरी साइड जीटी के, इसको क्या बोलते हैं जीटी बाजार, इस वाले का क्या नाम है, जीटी सेंट्रल की बाजार, सेंट्रल तो दूसरा था,
ये देखो मेरे पीछे है ये चीटी बाजार। आई होप आप लोगों को डेकोरेशन दिख रही होगी। ये रहा 360 एंगल पूरा व्यू, वेरी गुड, मस्त बना है। आगे चलते चलते पीछे का डेकोरेशन आप लोगों को वैसे दिख रहा होगा। ये वेस्ट साइड दिखाऊं, देखो ये रहा वेस्ट साइड का डेकोरेशन। इसके बाद में ये रहा, यहाँ पे भी क्रस्ट ब्राउन शुगर, क्रस्ट का केक बहुत अच्छा है ब्राउन शुगर के कंपैरिजन में, मुझे क्रस्ट का अच्छा लगता है। ये है गुड़िया के बाल, ये है गुलाब का। आंटी जी कितने का है ये? 50 रुपए का? नहीं नहीं नहीं, 50 रुपए का नहीं, 50 रुपए का गुलाब। भाई मैं पेड़ से तोड़ के ना दे दूं इनको 50 रुपए। फ्री तो रहने दो, पर मैं वही कह रही हूँ 50 रुपए का दे रही है, मैं पेड़ से तोड़ के ना दे दूं इनको। सबने लून वाले ने नहीं किया, हम फ्रेंड से जा रहे हैं वहाँ पे पेंटलून वाले के पास। यार ये देखो अब तो अंदर है झमझमाते हुए लाइट्स। ये गुलाब यही रखे हुए बाल्टी में। ये रहा पेंटलून, पीछे का डेकोरेशन आप लोगों को दिख रहा होगा। और ये जूडियो देखो, जूडिया सिंपल सोबर सा डिसेंट सा। अब यहाँ पर डिस्कशन चल रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ है। देखो मेरे पीछे आप लोगों को भीड़ नज़र आ रही होगी, ये देखो भीड़, यहाँ तो चलना ही मुश्किल है भीड़ में, इतनी भीड़ है। बहुत देर घूमने के बाद अब हम पहुंच चुके हैं खाना खाने, और खाना खाने पहुंच चुका है पहले वो देखो, ये देखो इसका नाम है मारवाड़ी रसोई जैन फूड, राजस्थानी पंजाबी साउथ इंडियन और चाइनीज। और हम लोगों ने ऑर्डर किया है, ये यहाँ खाना बना रहे हैं देसी घी में। और ये रिसेप्शन, ये मारवाड़ी रसोई, इसी के पास में है पंजाबी रसोई GVD। और ये पीछे का व्यू पूरा, तुम्हारा बोलो थाली और आपका हाँ वो मेरा है, आपका बोलो। आलू पराठे, आलू पराठे हैं, और पनीर है, दाल है, और दाल कौन सी? और तुम्हारा क्या है? तवा रोटी, तवा रोटी और एक और था ना कुछ पनीर लगा था। मतलब दोनों पनीर मंगाए के, एक ही तो मंगाया? रायता नहीं मंगाया, रहने तो ठंड में रायता। और मैंने मंगाया नूडल्स, हाका नूडल्स। अगर अच्छा लगा टेस्ट तो फिर हम मंगाएंगे मोमोज भी। हम यहाँ वेटिंग चल रही है खाने की, नहीं हमें सिंगापुर नहीं जाना, हम यहीं के खा लेंगे राजस्थान के। ये रहा इनका पूरा व्यू, ये आ गए हमारे नूडल्स। चलो टेस्ट करते हैं, टेस्ट गाड़ी से अगर आते हैं ना हमारे नूडल्स नहीं जा पाते, परोसे जा रहे हैं। यहाँ दाल, पनीर और आलू के पराठे, ये अभी तक खा ही रहा है। अब हम जा रहे हैं दूसरी लोकेशन पे, हमारी दूसरी लोकेशन कौन सी है? WPP वर्ल्ड ट्रेड पार्क सरस पड़ना है ना उसके। तो हमें यहाँ पर, मैं शूट कर रही थी तब उन्होंने ऐसे बोला कि आप यूट्यूबर हो क्या? मैंने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा ठीक है फिर तो आपके लिए स्पेशल डिस्काउंट। मैंने कहा बहुत बढ़िया, तो बहुत बढ़िया बात है। ये लोग निकाल रहे हैं गाड़ी, जब तक मैं आप लोग को दिखाती हूँ। ये रहा GT का बैक साइड है, ये GVD यहाँ का सबसे फेमस है, लोग यहीं आते हैं। ये आ चुके हैं हम WTP, और ये कई सुंदर सी लाल कार, पूरा WTP का व्यू आ रहा है। और मुझे लग रही है भयंकर वाली ठंड, यहाँ पे तो बहुत ठंड है यार। पूरा व्यू आ रहा है WTP का, कितनी मेहनत लगती होगी यहाँ पे डेकोरेशन करने के लिए। देखो कितना सुंदर व्यू, जयपुर का सबसे बड़ा मॉल है WTP वर्ल्ड ट्रेड पार्क, इसकी फोटो है। ये रहा फ्रंट का व्यू, पूरा का पूरा फ्रंट आ गया। ये रहा कितना लोग हैं टू व्हीलर पे, क्योंकि फोर व्हीलर दिवाली पर निकालना बहुत ही मुश्किल का काम है। मेरे पीछे का व्यू रोड, आपको WTP मेरे पीछे से भी दिख रहा होगा। ये रहा पीछे, पीछे का व्यू भी आ रहा है मस्त मस्त। ये रहा देखो हॉरिजॉन टावर, ये भी नया ही ओपन हुआ है अभी।
लोगों ने बिल्डिंग के बाहर भी इतनी सुंदर सुंदर लाइट्स लगा रखी है। अब आ चुका है हमारा सेकंड लोकेशन जो कि है सरस पार्लर। अभी अभी रिनोवेट हुआ है, देखते हैं रिनोवेशन के बाद इन्होंने कितना सुंदर बनाया है। ऐसा सच कोई खास लाइटनिंग नहीं है यहाँ पे, नॉर्मल लाइटनिंग है। नॉर्मल ये तो नॉर्मल दिन में भी ऐसे ही रहता है, बस थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, 10 रुपये एंट्री टिकट लगा दी मॉडिफाई करने के बाद। मेरी नाक हो चुकी है बिल्कुल जाम, बहुत तेज ठंड लग रही है यहाँ तो, ऐसा लग रहा है दिसंबर चल रहा हो। और लोगों के घर की रोशनी ना बहुत सुंदर लग रही है, मेरे पीछे आप लोगों को दिख रहा होगा ये सबके घर हैं जो बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने लाइटनिंग कर रखी है। अब हम पहुँच चुके हैं घर क्योंकि बज रहे हैं रात के 11 और ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूला करो यार, थोड़ा सा मोटिवेशन तो बनता है। मिलते हैं अगली ब्लॉग पे, तब तक अपना ख्याल रखिए। ओके बाय बाय।